नमस्ते नमस्ते नमस्ते, एक और नया दिन और एक और नया सफ़र चालू हो गया है। और ऑफ कोर्स बटर मैडम जो है साथ साथ चल रही हैं अपने रेन गियर पहन के, क्योंकि मौसम आज फिर ख़राब है। इतना ख़राब नहीं है कि सुबह से बारिश हो रही हो, पर ऑफ कोर्स बारिश कभी भी हो सकती है, तो इसलिए पहले ही प्रिकॉशन ले लेना ठीक है। मैं और बटर आपकी प्यारी यहाँ पे ठोंडी से चल चुके हैं रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, तो हम लोगों को 4 दिन लगने चाहिए, मौसम ख़राब होगा तो 5 दिन लगने चाहिए, पर जो भी होगा जैसा भी होगा पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ़िलहाल आगे चलते हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे के मज़े लेते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। भाई इतने सारे कमल उग रहे हैं कि क्या बताऊँ, इतना सुंदर सुंदर लग रहा है दिखने में सब कुछ, बहुत ही सुंदर। जहाँ तक देखो वहाँ तक बस कमल ही कमल उग रहे हैं भाई लोग। मौसम ने तो पलटी मार ली यार एकदम, मतलब सूरज आ गया बाहर। ये देखो, एक तरीके से बात तो अच्छी है कि बारिश ना हो, पर मुंह पे एकदम से सूरज लगता है तो गर्मी हो जाती है यार। और हमारी बटर मैडम को ज़्यादा लगेगी अब रेन कवर पहन के, तो आगे चल के कहीं चाय वाय की दुकान मिलेगी तो रुक के बटर के गियर चेंज कर देंगे। पर ये देखो सूरज तो ऐसा आ गया जैसे बारिश हो ही नहीं रही थी। तो गाइस हम लोगों को एक चाय की दुकान मिल गई और अन्ना मिले हम लोगों को, वो अपना डॉग के साथ मिला है। पट्टी है ना, पैर पट्टी 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 नाम है इसका। अब बटर यहाँ पे बन गई है, क्या बात है, मज़ा आ गया पट्टी को देख के। ये देखो कितनी क्यूट है, ओयो पट्टी। तो गाइस मौसम एकदम से इतना बदला है कि बटर को रेन कोट की जगह हीट रिडक्शन जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तालाब था यहाँ पे, बटर ने थोड़ा नहा लिया है, मैंने जैकेट गीली कर ली है। इस जैकेट का मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। ये ऐसे करके गीली करनी होती है और फिर उसके बाद आप थोड़ा सोक करके पानी निचोड़ के पहना सकते हो अपने डॉग को, ताकि हीट ज़्यादा ना लगे। आ जाओ बच्चे चलो। तो ये जैकेट जो है बेसिकली ज़ूफ पेट्स की तरफ से है। जो लोग हमारे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते हैं उनको ये बात पता होगी, जो नहीं देखते हैं उनको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो है हीट स्ट्रोक से या ज़्यादा पैंटिंग होने से डॉग्स को बचाता है। ये देखो आप, बटर की ना पैंटिंग एकदम से कम हो गई है, क्योंकि वेदर एकदम से चेंज हुआ है बारिश से। 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही थी और एकदम से सूरज आ जाए तो बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है देखो। तो ये जैकेट जो है बटर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखेगी, ताकि बढ़े ना और उसे दिक्कत ना हो। तो बहुत ही स्पेशल थैंक्स टू ज़ूफ पेट्स। तो देखो ऐसा है, मैं और बटर तो हर मौसम के लिए तैयार हैं और हर मौसम में चले जा रहे हैं, पर आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है ताकि हम लोग चलते रहें, आपका सपोर्ट बनता रहे और आपको हम ये सुंदर नज़ारे दिखाते रहें हमारे भारत के। तो वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि 80% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पर वो देख ज़रूर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो फौरन। भाई लोग मौसम ने आज कुछ अलग ही ठान रखा है, एकदम से मौसम फिर पलट गया और ऐसा मौसम हो गया है कि देखो बारिश हो सकती है कभी भी। हे भाई कैसे चलेगा ऐसा, पर ठीक है कोई नहीं, ये हीट जैकेट तो बटर के लिए कैसे भी मौसम में काम करेगी। और बारिश होने लगी तो बटर के गियर चेंज कर देंगे दोबारा, और क्या है, मस्त एकदम। फिलहाल आगे चलते हैं, नाश्ता नहीं हुआ है, चाय वाय तो पी ली है, कहीं रुक के नाश्ता करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोग रामेश्वरम के इतना पास आ चुके हैं और यहाँ पे रामेश्वरम का कोई बोर्ड का साइन ही नहीं है। रमनाथपुरम म्यूजियम लिखा हुआ है, थिरुपलानी लिखा हुआ है, अरियानम बीच लिखा हुआ है, ओहो बम बम ब्रिज लिखा हुआ है, बम बन पर रामेश्वरम नहीं। और नो डाउट ये जगह इम्पोर्टेंट होंगी, बट रामेश्वरम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो नहीं लगता मुझे, पर जो भी है जैसे भी है। हम एक है, हम तो देखो व्यू के मज़े लेते हुए चल रहे हैं
और मौसम दोबारा अच्छा हो गया। ओहो, बटर का एक फ्रेंड ए घुस गया झाड़ी में, घुस गया भाई झाड़ी में, घुस गया बटर को देख के। आप खौफ देखो बटर का, जहाँ जाती है या तो कुत्ते भौंकते भौंकते पागल या भाग जाते हैं। देखो वहाँ जाके छुप गया भाई हमारा। अरे आ जाओ, वो कुछ नहीं कहती यारा, चला गया भाई, छुप गया झाड़ियों में। भाई साहब व्यू 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 क्या बात है, भारत के हर कुछ किलोमीटर में व्यू ऐसा बदलता है कि पूछो मत। आनंद आनंद ब्रह्मानंद, सिर्फ इधर ही नहीं दूसरी साइड भी बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू है गाइस। बहुत देर हो गई थी चलते चलते, एक ब्रेक लिया है और कुछ भी नहीं है, खाली रोड है। हमें इधर जाना है, हम यहाँ से आ रहे हैं, अन्ना वहाँ से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे होंगे अन्ना सापा शॉप पे रिके किलोमीटर किलोमीटर சாப்பாடு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அங்க போட ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் சரி 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 தேங்க்யூ। एक किलोमीटर है तब तक बटर और मैं थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, सुबह से ही चल रहे हैं हम लोग और बेटर यही है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक लेके फिर चलें। पानी भी थोड़ा एंड पे आ गया और यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है बस। एक अन्ना मिले, उन्होंने बोला एक किलोमीटर आगे, तो चलते हैं एक किलोमीटर आगे बस। तो गाइस रेस्ट हो चुका है आपके लिए एक ही सेकेंड हुआ होगा क्योंकि कट लगता है और बस हम दूसरी सिचुएशन में आ जाते हैं। अब जैसे ब्रेक से चलने की सिचुएशन में आ गए और चलो बेटा चलो आ जाओ। अब बारिश वाला मौसम, यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर है खाने की दुकान, तो हम लोग जो है एक डेढ़ किलोमीटर चल के ब्रेक लेंगे खाने के लिए। मौसम जो है देखो कभी भी बदलता है और मिनटों में बदल जाता है कभी कभार, तो अब चले ही हैं ब्रेक लेके और थोड़ी थोड़ी बूंदा बांदी पड़ने लगी है, पर बटर और मैं जल्दी से जल्दी कवर करेंगे डिस्टेंस ताकि भीग ना जाए और खाना खा लें। और लंच और ब्रेकफास्ट हम दोनों का साथ में ही होगा। अब आपके लिए अगेन कट लगते ही हम लोग पहुंच जाएंगे और हमें 20 मिनट लगेंगे। तो गाइस ब्रेक ले लिया था और ये खाना भी खाया, पर हुआ ये खाना खाते खाते इतनी भीड़ थी। एक तो तमिलनाडु में ना मुश्किल है प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना, पर तो भी मैं बैठा उनसे पूछा वेज मील्स है, और खिलाते खिलाते एक बंदे ने गलती से मेरी प्लेट में फ़िश करी और वो डाल दिया, तो मैं आधा खा के ही उठ गया क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं खा नहीं सकता हूँ, और एक बार डल जाता है प्लेट में तो फिर मन नहीं करता है। पर एक ह्यूमन एरर है, ऐसा नहीं है उन्होंने जानबूझ के डाला है या इस चीज़ पे मुझे गुस्सा हो जाना चाहिए, एक ह्यूमन एरर है क्योंकि यहाँ पे लोग मोस्टली खाते हैं मीट। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं अगर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के चक्कर में रुकूँगा तो भूखा ही मर जाऊँगा, तो जो भी गया पेट में चला गया। पर अच्छी बात यह है कि हमारी बटर वेजिटेरियन नहीं है, तो बटर ने वो जो फ़िश पड़ी थी मेरे पेट में वो बहुत प्यार से खा ली और बाकी खाना ख़त्म कर दिया, तो मैं और बटर दोनों खाना खा चुके हैं और चल दिए हैं इस प्यारे मौसम में दोबारा। अब देखो कितना दूर आगे चल के जो है रुकते हैं हम लोग और कहाँ जगह मिलेगी। मैं और बटर चले ही थे कि एक और ब्रेक ले लिया, क्यों, क्योंकि ये व्यू देखो आप, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ कि क्या बताऊँ, सोचा दो मिनट यहीं बैठ लिया जाए, मन को शांति सी मिलती है ऐसा कुछ देखने से। मुझे ही नहीं सिर्फ बटर को भी, ये देखो बटर मजा आ रहा है बेटा। हम तो रुके थे पर मौसम हमारे लिए नहीं रुका, देखो बारिश होने लग गई है और ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग जैसा हो रहा है सब कुछ, और यहाँ बटर और मैं चल रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, और सामने रोड देखो पीछे रोड देखो कुछ दिखाई दे रहा है नहीं,
सिर्फ ये रोड, ये सुंदर सुंदर व्यू और यहाँ पर मैं और बटर चलते हुए। देखो भाई, बारिश तो होके रुक भी गई पर मेरे और बटर के कदम नहीं रुके, और ऐसे रुक भी नहीं सकते, क्या करें। भारत पूरा पैदल उठाने का जिम्मा जो उठाया, ऐसे ही थोड़ी रुक जाएंगे, ना बटर के पैर ना ही मेरे पैर। पर कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। देखो, जैसे आज रुकेंगे तो 4 किलोमीटर बाद रुकेंगे, क्योंकि मैं और बटर सुबह से 20-21 किलोमीटर पहले ही कवर कर चुके हैं, और आगे 4-4.5 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप आएगा, तो वहाँ पे हम लोग पूछेंगे अगर हम लोगों को रुकने की परमिशन मिलती है तो अच्छा है, और नहीं मिलती तो आगे चल देंगे। ये देखो, आगे जो अन्ना खड़े हैं ना, वो बटर मांग रहे थे मेरे से, कहते बटर दे दो मेरे को। पर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो ना अपनी गाय ले जा रहे हैं। अच्छे आपका गाय है ना, बाय बाय। अन्ना की गाय वाय है तो ऐसा है। अन्ना ने बहुत प्यार से मुझे बोला था, कहते अपना कुत्ता दे दो, तो मैंने अन्ना को बहुत प्यार से बोला कि आप अपना बच्चा दे दो और मेरा कुत्ता ले लो, मैं ले लूँगा और आपका बच्चा ले जाऊँगा, पर मैं तो उन्होंने मना कर दिया। एक दो बार तो रिक्वेस्ट करी उन्होंने, उन्होंने बोला दे दो दे दो, तो मैंने उनसे यही शर्त रखी कि मैं अपना कुत्ता ज़रूर दे दूँगा पर आप मुझे अपना बच्चा दे दो तो मैं दे दूँगा अपना कुत्ता। तो एंड रिज़ल्ट यही है कि बटर मेरे पास है और अन्ना का बच्चा अन्ना के पास है। देखो, बटर की रिप्लेसमेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे प्राण भी नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। ये ऑफर तो इनवैलिड है, चाहे दुनिया का सारा पैसा क्यों ना कोई लगा दे, पर बटर का किसी और के पास जाना ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। भाई लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अब बस पूछना है कि यहाँ रुक सकते हैं कि नहीं। हाँ, बस यही है, पूछ ही नहीं सकते भाई, बंद है पेट्रोल पंप। हाँ, ये लो, सीन ही हो गया है, तो क्रेजी हो गया। तो गाइस, पेट्रोल पंप तो बंद है पर हम लोग रुक सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्ना है पीछे, उन्होंने बोला रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कैंप लगा सकते हो, उनका जेसीबी पीछे, तो सही है। मैं और बटर कैंप लगा लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद खाना लेने जाएंगे, मार्केट जाना पड़ेगा विलेज में पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा किलोमीटर है, वहाँ से जाके हम लोग खाना लेके आ सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा है, जगह तो मिल गई है, और नहाने के लिए सामने एक बड़ा सा समंदर दिख रहा है, वहाँ नहा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समंदर क्या है, मतलब तालाब सा है, तो होता है कम्युनिटी तालाब होते हैं, तो ऐसा है। फिलहाल तंबू लगाते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना लाएंगे आराम से। रहने आ गए हैं यहाँ पे, और रूम वूम खोल लेंगे तो चार्ज हो जाएगा फ़ोन। हम लोग रात में यहीं पे रुकेंगे, साथ में बटर को पीछे बांध रखा है अभी ताकि इधर उधर भागे ना। फिलहाल समय हो रहा है चाय का, तो मैं थोड़ा भाग के चाय ले आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सब कुछ गांव में है, और फ़ोन की बैटरी बहुत ही लो है, तो मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ तब तक ना। तब तक बटर और मैं चाय ले आते हैं, खाना ले आते हैं बढ़िया आराम से, फिर रात को खाना खा के सो जाएंगे, और क्या है, एकदम जगह मिल गई है। देखो, आज बंद पेट्रोल पंप पे भी जगह मिल गई हम लोगों को, क्लोज है पूरा पेट्रोल पंप, देखो, पर तो भी अन्ना ने कहा रुक सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू ना। खाना तो गाइस, खाना आ चुका है, डोसा और इडली वगैरह ले आया हूँ मैं, पराठा भी आ गया है, तो बढ़िया खाते हैं और सो जाते हैं। बटर अभी फ़िलहाल अंदर है कैंप में,
और उसको भी बुला के खिला लेते हैं। पर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए दिन नए सफर में। सी यू, टाटा, बाय बाय।